वहाँ पे चल जाओ, वहाँ पे चल जाओ। हाँ नहीं 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 चालू रुको, अरे रुको आप टावर वाले रुको, कोई भी तो कहीं को आए कार आने का था दूसरी बार आराम करना था ना। देखो जो अगर हमारे ट्रेन में नहीं रहेगा वो आएगा, अगर वो बीमार है अपना अपना एक दिन नहीं मेरे तरफ से 10 दिन आराम करना है उसको, 10 दिन नहीं एक महीना आराम करो, मैं तो 100 रुपये करूँगा। समझे मैं यहाँ पर कई दिन देखा कई और देखा कई और देखा, क्यों मेरा इंसान नहीं हूँ लेकिन कानून और फर्ज और ईमान और वफादारी और जवाबदारी इंसान को है ना तोड़ के रखो, अपने शरीर को तोड़ के रखो, बर्बाद करके रखो, ये कभी भी आपके काम आएगा। अगर लापरवाही और बेईमानी से आप कुछ करोगे तो जीवन में कहीं सफल नहीं रहोगे। मेरी उम्र 70 साल है, 50 और 6 साल का हूँ मैं गैजेट के अंदर 3 वर्ष में 4 5 जगह ट्रेनिंग देता हूँ। उत्तर भागू आप लोगों के पास हम जाता, उनके पास हम जाता तो भगवान ने मेरे शरीर ताकि वो तकलीफ ना दे, कमजोर आदमी हमारे परिवार में नहीं होता। जो आदमी बीमार है जो अपने आप को मकरा बना करता, मकरा बना बोलते कामचोर इंसान हमारे सिक्योरिटी के अंदर, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, हमारे आर्मी कमांडो में नहीं चलता है। हमारा काम है बीमार हो या बीमारी हो, हमारा काम है शक्ति का मुकाबला करना। आंधी आए या तूफान या बारिश हो या सैलाब या भूकंप हो, हमारा काम है वफादारी ईमानदारी सरकार है कि आंधी आए या तूफान या बारिश आपको आना है कि नहीं आना है। सबसे पहले आपको जब भी आग लगती है हेक्टी एक्सलेंसिया के अंदर, आपके ड्यूटी पोस्ट के अंदर, आपके टावर के अंदर, आपके एरिया के अंदर, तो सबसे पहले दाहिना पैर आगे करो, झुकता हुआ बदन। अगर हम आग इधर लगी है उधर लगी है तो हमको गिरना नहीं है, ये हमारा लॉक है। ये बाया पैर नहीं रखना है, बाया पैर इंसान का कमज़ोर होता है, वो डगमगा जाता है, इसलिए हमेशा दाहिना पैर आगे रखना है। दाहिने हाथ से फायर एक्सटिंग्विशर को मजबूत पकड़ना है, बाएं हाथ से ये निजल को पकड़ना है, ऊपर नहीं रखना है, उसकी पोजीशन हमेशा नीचे रखना है। दाहिने हाथ से शील्ड को तोड़ना है, दाहिने हाथ से बीम निकालना है,
टाइम है आज से लेफ्ट में घुमाकर आग को बुझाना है। इस बात का ख्याल सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी एसओ को हमेशा याद रखना है। अगर कभी भी आपके एरिया में आग लगती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आना चाहिए। इसीलिए हर सिक्योरिटी गार्ड इस बात का ध्यान रखे, अपने अपने एरिया में जहाँ भी फायर एक्सटिंग्विशर रखा है वहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा फायर का इंस्ट्रूमेंट रखा है, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ रखा है टावरों के अंदर, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात, जिसको यहाँ नहीं पकड़ना है ये बहुत ठंडा होता है, आपका हाथ गल जाएगा, ये ग्रीस है, ग्रीस में पकड़ना है इसको, किसी के चेहरे के ऊपर नहीं रखना है, इसका पोजीशन हमेशा नीचे रखना है। इसकी आवाज़ बहुत तेज है, इसको छोड़ के भागना नहीं है, इसकी आवाज़ हेलीकॉप्टर की और प्लेन की आवाज़ की तरह है, इससे डरना नहीं, इसकी आवाज़ से डरना नहीं। आप इसको ग्रीस को मजबूत पकड़ते हुए नीचे वाली दिशा में इसको जहाँ आग लगी है वही इसको हैंडल करना है, आगे कोई नहीं पकड़ेगा, ये बहुत ठंडा है। कभी कोई सवाल करता है इसका जवाब आपको आना चाहिए। सावधान। जब भी